Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पूर्वी, कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। मैं कहीं भी हूं, यकीन मानो, तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। ये परी अर्जुन और पूर्वी की बेटी। मिस्टर अर्जुन जी। जी, मैं मिस्टर सचिन देशमुख का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। सर, एक निवेदन है आपसे। क्या आप कोर्ट में आकर ये गवाही दे सकते हैं कि मिस्टर ओनियर ने जो कुछ भी किया है वो किसी की भलाई के लिए किया है? सर, आपकी ये गवाही मिस्टर ओनियर की सजा कुछ हद तक कम करा सकती है। जी, ऑफ कोर्स दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी यही चाहता था। आप कहाँ पर हैं अभी इस वक्त कोर्ट में आप? सर, बस थोड़ी देर में केस की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाइए। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुँचता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बैठ जाइए। ओनियर दत्त को अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर मित्तल ने मिस्टर ओनियर दत्त के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है, और इस बार हमारे पास इसका पुख्ता सबूत भी है। ये सीढ़ी माय लॉर्ड, आज इस सीढ़ी के जरिए ये साबित हो जाएगा कि मिस्टर ओनियर दत्त डॉक्टर के बेस में एक क्रिमिनल है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता। That's all, my lord. अब अपना बच्चा ओवी और अर्जुन को दे देंगे। तेरी बेटी अपने असली पिता के पास देगी, उनका नाम उसे मिलेगा। माय लॉर्ड, मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर ओनियर दत्त ने बच्चों की अदला बदली की, लेकिन उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसमें किसी की भलाई, किसी का हित छुपा हुआ था। एक औरत जिसका बच्चा मर चुका है, उसे खुद का बच्चा देकर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की थी उन्होंने। चल, दैट्स अ फैमिली मैटर। और जिस सीडी का हवाला देते हुए मेरे काबिल वकील दोस्त मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करना चाहते हैं, उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि मिस्टर ओनियर दत्त ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड। That's it, my lord.
तमाम गवाहों और सबूतों से ये बात जाहिर हो गई है कि मिस्टर ओनिर दत्त ने ही बच्चों की अदला बदली की है, जो कि एक डॉक्टर की एथिक्स के खिलाफ है। हालांकि उनका ये करने का कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए ये अदालत उनको सजा देने के एवज में उनका लाइसेंस रद्द करती है। आज के बाद वो अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द केस इज डिसमिस। क्यों रही हो? क्या हुआ पूर्वी, बताओ क्या हुआ? अर्जुन सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया मतलब केस तो शुरू है ना, अभी केस चल रहा है ना? कोर्ट ने ओनिर का वर्किंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा अच्छा होता कि ओनिर मुझसे शादी नहीं करता। उन्होंने मुझसे शादी की, मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, और अर्जुन को मेरी वजह से क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा। पूर्वी प्लीज, पूर्वी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट पूर्वी प्लीज, आराम से रिलैक्स प्लीज। क्या किया उसने? अपने सगे आजी को धोखा दिया। वो चाहती थी कि ये घर उसके नाम पे हो, ताकि वो मित्तल इस घर को तोड़ के इस जगह होटल बना सके। सॉरी, देख के नहीं चल सकते रुचि, सो सॉरी यार। अरे मैं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे नहीं, गलती तो मेरी है, मैं ही देख के नहीं चली। हाँ, सो सॉरी। और बाय द वे, तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरी बाइक यहीं पर पार्क है, मैं लेके आता हूँ। हे, क्या हुआ? कोई प्रॉब क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।